डिस्काउंट सेल लेकर आ रहे हैं परेश, देखें भारती उन्हें खरीदती है या नहीं। प्लीज वेलकम परेश एंड भारती। हे भगवान, कब कोई लड़का मुझे ये सब बोलेगा। खैर, इसका इंतजाम मैंने किया हुआ है, 10,000 दिए मैरिज ब्यूरो वालों को, और उन्होंने कहा है कि भारती जी आज आपके लिए अच्छे, स्मार्ट, डैशिंग, रोहित से भी अच्छे लड़कों की लाइन लगाने वाले हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, कहीं मुझे पहले वाला लड़का पसंद आ गया तो बाकी लड़कों का क्या होगा। कैसा होगा वो पहला वाला लड़का? चल जाने मन, शादी करते हैं। शादी? शादी नहीं करनी तो चल डायरेक्ट हनीमून पे चलते हैं। अबे ओ चाचा, घर से आईना देख के नहीं निकलते, कम से कम सीनियर सिटीजन का कार तो देख के निकला करो। अरे जाने मन, आजकल लोग एक ही कार्ड देखते हैं, क्रेडिट कार्ड। ये तो सरासर चीटिंग है, मैंने पूरे पैसे दिए और मुझे पूरा दूल्हा चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद आधा पति लेके घूम रही हूँ। अरे मेरे प्यार का कद देख, मेरा कद क्यों देखती है? लगता है तूने मेरी फिल्में नहीं देखी। फिल्में? तुमने बॉबी देखी है? हाँ देखी है। उसमें वो हीरो है ऋषि कपूर। हाँ, मैं उसका अंकल हूँ। फिल्म में तो ऋषि कपूर का कोई अंकल ही नहीं था। ओहो, वो ऋषि कपूर फोन पे बोलता है ना कि मैं अपने अंकल से बात करूंगा, वो अंकल मैं हूँ। अच्छा अच्छा। अरे उसी फिल्म में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जो सिर्फ जिक्र हुआ तो अवार्ड मिला, एक्टिंग करता तो क्या होता है। तभी कह रही हूँ अंकल मुझसे शादी मत करो। क्यों? नहीं तो कल को तुम्हारा भी सिर्फ जिक्र ही होगा कि अच्छा आदमी था। तुम्हारी मेरी शादी नहीं जम सकती। अरे मैं इतनी खूबसूरत, हाँ, कम सी नाजुक जवान लड़की। अच्छा, कल को मुझे ये गुंडे छेड़ेंगे, तुम तो मुझे बचा ही नहीं सकते बुड्ढे। ओहो, लोग छेड़ छेड़ के कितना छेड़ लेंगे तुझे, मेरे लिए भी तो कुछ बचा के रखेंगे ना। तुम खुद कितने बचे हो? हाँ ए, अभी एक महीना एक्सपायरी डेट को बाकी है, समझी ना। एक महीना बचा है फिर? और तुम शादी करने लगे हो? ओहो, मेरी एक्सपायरी को नहीं, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी को एक महीना बाकी है। चल निकल यहाँ से, निकल। अरे आप तो नाराज हो गई। अब कोई बात नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड रिन्यू करा के आता हूँ। अरे चल निकल यहाँ से। पहला ही इतना बुरा निकला। हे भगवान, मेरी सही समय पे शादी कर देना, वरना मेरा भी यही हाल होगा, चौक पे चेयर डाल के बैठ जाऊंगी और जो भी आएगा पंच मार के चला जाएगा। अच्छा, तुम कौन हो? गुजराती पिक्चर नो हीरो वीर मांगड़ा वालो। ये गुजराती पिक्चर का हीरो शक्ल से देसी दारू बेचने वाला लग रहा है। ए, गुजरात में दारू बंदी छे, और तेरा जनरल नॉलेज देख के लगता है कि तू ही भारतीय है। हाँ, तो तू मुझसे शादी करने वाली है? हाँ। आवी जा घोड़े पे, ए जीरे। पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं सुरवीन से कर लूंगा। शक्ल देखी है? अरे इतनी मेहनत करके अपनी टांगे दिखा रही है, तू मुझे शक्ल देखने की बात कर रही है? जहाँ तुम खत्म होते हो ना, वहाँ से उसके कपड़े शुरू होते हैं। तो ठीक है, मैं पार्वती से शादी कर लूंगा। कर लो, इसको बहुत पसंद है। इसको गुजराती पसंद है? अरे गुजराती नहीं, इसको घोड़े पसंद है। अरे चलो, आ तो नसीबदार छे, हैं? चलो घोड़ा पार्वती नी मांडवा मा हांडवा खावा। ये मत समझो कि मेरे लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। अरे अगले महीने मुझे पाकिस्तान से रिश्ता आया है, और पिछले महीने भी पाकिस्तान से ही आया था। मैंने कहा मैं पाकिस्तान कभी गई नहीं हूँ, खुद लड़का देखने जाऊंगी। अभी मैं दरवाजा खोल के कमरे में एंटर ही हुई हूँ तो लड़के वाले देख के मुझे खड़े हो गए, बोले नुसरत फतेह अली खान साहब। मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मुझे 5-6 कवालियां सुनानी पड़ी। कब आएगा यार मेरा राजा, कब आएगा? कितनी देर लगा रहा है कपड़े बदलने में। बड़ी अच्छी लग रही हो। लगता है यहाँ तुम अपने जीवन साथी के लिए आई हो। हाँ, तो मिला कोई? मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? देखो देखो, चौंको मत, मैं तुम्हें पत्नी परमेश्वर मानूंगी। अरे हट, मुझे लड़के से शादी करनी है। अरे मैं कहता हूँ लड़कों में रखा ही क्या है भारती। देख, हम दोनों शादी करेंगे तो बहुत फायदे होंगे। देख शादी में कितना खर्चा बचेगा, ना बारात आएगी ना विदाई होगी। सोच, हम दोनों अलग अलग हनीमून पे जा सकते हैं। ठीक है, पर हाँ?
नहीं नहीं, मुझे लड़के से शादी करनी है अर्चना, ये क्या हो रहा है? अरे लेकिन, अरे तुम अर्चना को क्यों पूछ रही हो? तुम्हें याद है अर्चना ने लास्ट टाइम क्या कहा था? या कंपटीशन एक अलग लेवल का है, हाँ। अगर आप जीतना चाहते हो तो कुछ हट के करो, हाँ। कुछ अलग करो। हाँ तो ये हुआ है ना डिफरेंट। हाँ। अब देख, यहाँ लड़के ने लड़के से जोड़ी बनाई है, हाँ। लड़के ने लड़की से बनाई है, हाँ। यहाँ तक कि हिजड़ों ने भी जोड़ी बनाई है, हाँ। लेकिन हम दोनों पहले हैं जिन्होंने लड़की लड़की की जोड़ी बनाई है, तो हुआ ना डिफरेंट। तो अर्चना जी भी खुश, और हमने इसमें डबल मीनिंग भी नहीं किया, तो रोहित जी भी खुश, और वो दोनों अगर अच्छे मार्क्स दे दे तो हम भी खुश। यस, अच्छे मार्क्स दे दो रोहित। बहुत अच्छा है परेश, बहुत मेहनत की आपने, और वो दिख रहा था राइटिंग वाइज भी कुछ नयापन था इसमें। एंड भारती, आप अपना ही मजाक उड़ाते हो और इतनी हेल्दी वे में उस चीज को लेते हो, इट्स एन आर्ट। अर्चना, आई थिंक इट इज अ क्यूट एक्ट, समवे थोड़ा सा स्कैटर्ड रहा बीच बीच में, लेकिन भारती यू हेल्ड इट वेरी वेल टुगेदर एंड इन टोटैलिटी इट वॉज अ क्यूट एक्ट। आई वोंट नॉट से इट्स अ ब्रिलियंट एक्ट, बट इट्स अ नाइस एक्ट। वेल डन। कोर्स की बारी। 8 points. 8 points again. Thank you, sir. तो परेश और भारती को मिलते हैं 16 पॉइंट्स इन टोटल। जोरदार तालियां भारती और परेश के लिए। कॉमेडी सर्कस की स्क्रिप्ट्स बेचने आ रहे हैं राजीव विद सलोनी एज कॉमेडी सर्कस कंटेस्टेंट्स, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। पटकथा लैया अर्चना जी, आपको तो पता ही है कि पटकथा लिखना कितना मुश्किल काम है। हाँ, तो ऐसे बोल रही हैं जैसे गोलमाल 3 आप ही लिख के आई हैं। राइटर के लिए सबसे अच्छी जगह है कॉमेडी सर्कस, क्योंकि राइटर का जन्म सिद्ध अधिकार है भूखे मरना। तो मैंने सोचा कि बिना काम किए भूखे मरने से काम करके भूखे मरना ज्यादा अच्छा है। किसने बताया आपको? बाहर किसी ने बताया कि कोई गधाई होगा जो अंदर बिना पैसे के स्क्रिप्ट बेच रहा है। ये बदतमीजियां कौन सिखा रहा है बाहर? उसी ने जिसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट आप बेच रहे हो। किसकी स्क्रिप्ट लेने आई हो अब यहाँ पर? भारती और प्रवेश की। क्यों, उनके पैरों में मेहंदी लगी, वो नहीं आ सकते? अंकल जी, पता है भारती दीदी सुसाइड करने के लिए 20वें माले से जंप मार रही है और परेश भैया उसको कैच करने के लिए नीचे खड़े हुए हैं। तो बेटा ये बोलो कि परेश सुसाइड करने गया है। आज मुझे पता चला है कि भारती के ऊपर कोई क्यों नहीं मरता, क्योंकि सब इसके नीचे आके मरते हैं। बेटा, मैंने जो सबसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो देता हूँ सुदेश कृष्णा की है। नहीं, उनकी तो डबल मीनिंग वाली होगी और परेश करेगा नहीं। बड़ा शरीफ आर्टिस्ट है ये। शरीफ नहीं, गुजराती है। पता है मुझसे क्या कहता है वो? क्या? जब पैसे सिंगल मीनिंग वाले ले रहा हूँ तो डबल मीनिंग क्यों करो? वो वाली स्क्रिप्ट दो ना जो अपने सलोनी और अपने लिए लिखी है। लिखी है, सुन लो। देखा, ये ले। बच्ची को समझ में आ गया, तुम कमीनों को समझ में नहीं आता कि मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ। अंकल जी, आपने तो कहा था आप 200 रुपए दोगे अगर मैं ये बोलूंगी कि राजीव भैया खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं। 200 रुपए दो मुझे। सीधे सीधे चलिए यहाँ से, चल। नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे जाऊंगी। अभी अभी जब मैं बाहर था तो मैं अंदर आ रहा हूँ, एक आदमी ने मुझसे कहा 1000 रुपए का छुट्टा है, मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा 1000 रुपए का छुट्टा तो नहीं है, लेकिन राइटर से 1000 रुपए का छुट्टा मांग के जो उसकी इज्जत बढ़ाई है, मैं उसके लिए आपको बड़ा आभारी हूँ। अली 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 अली। अबे बंद करो ओए, ओए सस्ते चेतन भगत, इधर आ, इधर आ। अरे अली भाई, आज आप दिन में ही? चल बता, क्या नया माल है, क्या नया माल? अली भाई, मैं स्क्रिप्ट बेचता हूँ, ये पढ़िए ये। उत्तरी। ओ यार, ओ ये स्क्रिप्ट तूने वेज होटल में बैठ के लिखी है क्या? क्यों, क्या हुआ?
अरे इसमें तो सिर्फ कॉमेडी है यार, इस पे तो सिर्फ पब्लिक एंजॉय करेगी, पब्लिक हमारी एंजॉय वाली बात किधर है यार? मैं समझ गया, नॉनवेज चाहिए? अरे वही तो यार, रोहित जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे यार, कि हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, ये वेज कर रहे यार। ओफो, उनको नॉनवेज अच्छा नहीं लगता। अल्लाह माफ करे बेड़ा गर्क हो तेरा मनोज। ऐसे आदमी होते हैं जो अपन नॉनवेज पे भड़कते हैं और घर जाकर उसी नॉनवेज के साथ रोटी खा रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? उत्तर यार, सच बोलिया यार मैंने। मुझे समझ में आ गया, मैं आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ। एक हाथी है, एक चींटी है, दोनों की शादी हो गई। आगे बोल, आगे बोल। आगे, फिर चींटी हाथी को गोद में उठाकर उसे बहुत सारा प्यार करती है। आगे बोल, आगे बोल। हाँ, उसके बाद फिर सुबह हो जाती है। ओ तेरी यार, तू सुबह बड़ी जल्दी कर देता यार। स्क्रिप्ट ही ठीक है, लेकिन इसमें हमारा फ्लेवर डाल, फ्लेवर। एक काम कर, हाथी को छोड़, शेर को डाल, शेर को डाल। क्यों, शेर को क्यों? अरे शेर नॉन वेजिटेरियन होता है यार। और एक काम कर, चींटी को बार डांसर बना और उन दोनों की स्वागत कर दे, और बाकी मुझ पे और मेरे पार्टनर पे छोड़ दे, ठीक है? आपके और आपके पार्टनर पे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर आपने चींटी के साथ ऐसी वैसी हरकत की ना तो शेर नहीं छोड़ेगा। यार, वेरी गुड पंच, वेरी गुड पंच। स्क्रिप्ट में लिख, स्क्रिप्ट में लिख, और मुझे चेंजेस करके दे दे, ठीक है? मैंने बहुत बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। पिछले हफ्ते नताशा मेरे पास आई, मुझे कहती प्लीज मुझे ऐसी स्क्रिप्ट लिख के दो जिसमें कपिल के डायलॉग कम हो और मेरे डायलॉग ज्यादा हो। मैंने लिख के दी, शानदार लिख के दी, रिहर्सल में इलिमिनेट हो गई। पहुंची नहीं परफॉर्मेंस पर। क्या बात है, आज बड़े सीरियस लग रहे हो। आज मैं बड़ा परेशान हूँ पाजी। परेशान हो? किसने इज्जत के साथ बात की इनसे? अरे इज्जत के साथ तो कोई नहीं बात करता पाजी, सब मेरी कॉमेडी करके अपना घर चला रहे पाजी। इसलिए मैं भी अब कॉमेडी करूंगा पाजी, मुझे भी स्क्रिप्ट दो, मुझे भी स्क्रिप्ट दो पाजी, मुझे भी स्क्रिप्ट दो। पाजी आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? पाजी आपको स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है? आप तो शक्ल से इतने टैलेंटेड लोगों की हंसी निकल जाती, देखो। पाजी मैं चेहरे का फायदा नहीं उठाना चाहता पाजी। लेकिन एक बात बताइए, कोई लड़की आपके साथ पार्टनर बनने को तैयार हो जाएगी? कभी कमेंट नहीं किया पाजी, लड़कियां मर रही है पाजी इस हैंडसम पे। कल ही एक लड़की से पूछा पार्टनर बनोगी, हार्ट अटैक से मर गई पाजी। बोला था ना लड़कियां मरती है पाजी। लेकिन नहीं किया। मुझे लगता नहीं है कि आप बिना पार्टनर के यहाँ पर कॉमेडी कर सकोगे। यार जिनके पार्टनर है वो क्या करते हैं? देखो पाजी, लेकिन फिर भी पार्टनर तो चाहिए ना, किसी का किसी का करियर तो आपको बर्बाद करना ही पड़ेगा। इसका करियर तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा पाजी। चल सुरवीन, कभी कभार रिहर्सल के बिना भी कुछ काम कर लिया कर। चल अर्चना, दिस इज वन ऑफ द क्यूटेस्ट, बेस्टेस्ट, फाइनेस्ट रिटन एंड द बेस्ट एग्जीक्यूटेड स्क्रिप्ट आई हैव सीन। Very well done. Rohit is dying to say something. इस स्क्रिप्ट के दो हीरो हैं। You have done very good, Rajiv. But number one is the writer. Number two is Saloni. Yes. Scores. Perfect ना होते हुए भी ये बहुत ही perfect performance थी. So my marks are 10 points. Rohit. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.